दोस्तों पुराने समय की बात है, महुसर नाम का एक राज्य हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के अंदर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला करने वाला है और उनकी बड़ी सेना के आगे हमारा टिकाना बेहद कठिन है। राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि हम लोगों का मरना तय है, अगर किसी व्यक्ति के पास सुझाव है तो वह अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सका है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, राजन अब जब जान पर बन आई है तो इसका एकमात्र उपाय है, हमें आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर सके। मंत्री बोला, राजन पड़ोसी राज्य की अभी युद्ध की तैयारी नहीं है, अभी उन पर हमला कर दिया तो वह संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ उम्मीद बनेगी। ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तय है, क्योंकि कुछ दिनों में पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। राजा को बात जच गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध करने चले गए। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले सेना को विशाल नदी पर पुल बना पार करना था। जैसे ही सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और सेना को बोल दिया, अब हमारे पास वापिस जाने का कोई रास्ता नहीं है, या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर यही मरकर प्राण त्याग देने हैं। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को मात दे दी। दोस्तों जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद किए थे, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए, अपनी असफलता के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई ऑप्शन नहीं है। खुद को असफल होने का कोई ऑप्शन मत दो। डरो मत, कोई भी समस्या आपसे ज्यादा बड़ी नहीं है। जुड़ जाइए, सफलता आपकी राह देख रही है। धन्यवाद।